Let's start again, friends. Everyone, I hope you have solved these three questions in the break time. Let's discuss the answers by actually solving this all questions with you now. ठीक है, तो सबसे पहले first question का answer हम solve कर रहे हैं. First question का answer, question number one का answer. P1, P2, Q1, Q2 दोनों दे रखा है आपको. बोलिए formula कौन सा use करेंगे हम, point या arc? Point. Point method का formula याद है? बोलिए P1 by Q1 into Q2 minus Q1 upon P2 minus P1. Correct. तो P1 कितना है? 400. Q1 कितना है? 4000 है. Into change in quantity कितना है? Change in quantity 150. Correct. And change in price कितना है? 10 का है. Final answer 1.5. ओके, 1.5 टाइम्स हो जाएगा फिर. ठीक है एवरीवन, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. एनी डाउट विद रिगार्ड टू फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहा हूं मैं. यहां पर पॉइंट मेथड यूज करेंगे या आर्क? आर्क मेथड यूज करेंगे. फॉर्मूला याद है आपको? P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस. करेक्ट. तो फिर ऐसे केस में P1 प्लस P2 कितना आएगा? 55 आएगा. 30 प्लस 25 कम्स टू 55. Q1 प्लस Q2 करेंगे तो कितना आएगा? कितना? 12,200 इंटू चेंज इन क्वांटिटी 4,500 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इज 5. योर फाइनल आंसर इज 4.057 टाइम्स. करेक्ट एवरीबडी. तो दिस आर दी टू आंसर, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू का आंसर सबका करेक्ट है? कोई डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर आगे बढ़ते हैं. अभी थर्ड क्वेश्चन जो है ये यूनिक क्वेश्चन है जो कि डेरिवेटिव पर बेस्ड है. आप सबने सॉल्व किया है क्या डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन? डिमांड फंक्शन दिए रखा रहता है जनरली इसमें, और अगर क्वेश्चन डिमांड पर है तो माइनस साइन होता है इधर, और अगर सप्लाई पर क्वेश्चन रहा तो प्लस साइन होता है. ठीक है, प्राइस दे रखा रहता है और आपको पहले निकालना होता है क्वांटिटी और फिर फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना होता है. क्वांटिटी कैसे यूज करेंगे, निकालेंगे सर? कुछ नहीं, ये जो डिमांड फंक्शन दे रखा है इसमें पी का रिप्लेसमेंट कर दो, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी का आंसर मिल जाएगा. तो क्वांटिटी इज इक्वल टू, पहले करेंगे क्वांटिटी इज इक्वल टू 22,000 माइनस 24 का स्क्वायर, 2 एंड देन 4 का स्क्वायर. तो इसका आंसर क्वांटिटी इज इक्वल टू 22,000 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 2 कितना होता है? 32. तो फाइनल आंसर क्वांटिटी का 21968 यूनिट्स. करेक्ट एवरीवन. यहां तक कोई डाउट है किसी को? बट आपने कोई कसम खाई है मेरा रिकॉर्डिंग खराब करने का, ऐसा कुछ कसम खाई होगी तो वैसा बोल दो मुझे. आप जहां बैठे हो उसके सामने कैमरा है यहां पर. और जबरदस्त तरीके से उसको हिलाया आपने, थोड़ा एडजस्ट कर लो बेटा. वेरी गुड, वैसे परफेक्ट. उधर उधर बराबर है, ऐसे ही हिल गया वो. ऐसे आप सामने से गए वो उसको कंट आपने पैर नहीं लगाया, वो ऑटोमेटिक हिल गया. ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, आप सामने से बस गए और वो हिल गया. ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वांटिटी का आंसर आ चुका है. आपके पास क्वेश्चन में प्राइस ऑलरेडी दे रखा था. आपका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का P1 बाय Q1, बोलो डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इंटू माइनस DQ बाय DP. याद आया? तो फिर ये DQ बाय DP कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? ये जो फंक्शन दिया रहता है डिमांड फंक्शन 22,000
माइनस टू पी स्क्वेयर, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डेरिवेटिव्स, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डेरिवेटिव्स, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ 22,000 कितना आएगा? जीरो, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर इज जीरो. माइनस की जगह माइनस लिख दिया, स्क्वायर वाला जो टू है वो आगे ले लिया, इंटू टू किया, इंटू पी रेज टू टू माइनस वन हो गए. ये क्या जादू था पता है ना आपको? एन एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है? इज नथिंग बट टू एन एक्स, टू एन एक्स. अभी वो एक्स रेज टू टू माइनस वन मतलब वो वन ही हुआ ना, तो चाहिए तो टू माइनस वन लिख देंगे. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट टू एन एक्स. एन एक्स क्यूब रहेगा तो थ्री नीचे लेंगे, फिर एन लेंगे, फिर एक्स को स्क्वायर कर देंगे. आई होप सबको समझा है. एंड एन एक्स रेज टू फोर रहेगा तो फोर एन एक्स क्यूब हो जाएगा. अब तो समझा. नाउ विद दैट लॉजिक, ये जो स्क्वायर था ये नीचे लाया पहले, फिर टू को मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ टू था, और पी रेज टू टू था तो वो टू माइनस वन बन गया. तो फिर ये क्या आएगा? माइनस फोर इंटू पी का वैल्यू कितना है? फोर, एंड रेज टू वन है वैसे भी वो, करेक्ट. तो फिर इसका आंसर माइनस सिक्सटीन आएगा. तो ये जो माइनस डी क्यू बाई डी पी का आंसर कितना आया? माइनस सिक्सटीन आया. माइनस माइनस कैंसिल मत करो, वो माइनस आने वाला था इसलिए अपन माइनस लिखते हैं उसको. ये माइनस माइनस कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि पता था कि ये आंसर माइनस में ही रहेगा. कैसे पता था? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच. ठीक है, तो अब ऊपर ये जो फॉर्मूला था हमारा इसको यूज करेंगे. बोलो P1 का वैल्यू कितना है? 4. Q1 का वैल्यू कितना निकाला आपने? 21,968 इंटू माइनस डी पी बाई डी पी डी क्यू का वैल्यू, माइनस डी क्यू बाई डी पी का वैल्यू माइनस 16 है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 0.002913. ठीक है, बस इधर तक ही बस हो गया रे, इतना डिटेल में कहाँ बोल रहे अभी, मैथ्स का लेक्चर लगेगा. हाँ, ये माइनस में है आंसर. ठीक है, ये आंसर माइनस में है. इसको आंसर माइनस में कोएफिशिएंट रहो ना रहो माइनस में लिख सकते हो आप इसको. कोएफिशिएंट जब पूछा है तभी माइनस में आंसर आता है, वो नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चंस में आता है. ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चंस में आता है. ये क्वेश्चंस में आप आंसर माइनस में लिख सकते हो. तो यहाँ का माइनस 0.002913 आंसर है. किसका करेक्ट है? तीनों आंसर, तीनों आंसर करेक्ट. ठीक है, सिर्फ थर्ड गलत, सिर्फ थर्ड गलत, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट. अभी समझा आपको थर्ड? किसी को डाउट है थर्ड में अभी? हाँ, आपने क्या किया? पहले के दो पता नहीं है आपको? ये पहले के दो है, 1.5 टाइम्स एंड 4.057 टाइम्स, करेक्ट है. चलिए आगे बढ़े. तो ये थे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं. अभी ऐसे फैक्टर्स जिस पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है. एग्जांपल, आपके आसपास जितनी चीजें दिख रही है क्लासरूम में, प्रोजेक्टर है, स्क्रीन है, फैन है, ये लाइट्स है, कंप्यूटर है, बेंचेस है आपके सामने, और चीज की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज, कबर्ड है. अब ये सब चीजों का वैल्यू जो भी रहेगा, प्राइस, इन सभी प्राइजेस को अगर मैं बराबर सभी को 10% से बढ़ा दूं तो सभी का क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा. मेरा क्वेश्चन समझा आपको? आसपास जितनी चीजें दिख रही है, राइट फ्रॉम एसी टू दिस कबर्ड,
हर चीज का अगर मैं दाम 10% से बढ़ा दूं तो हर चीज का डिमांड में चेंज इक्वल होगा क्या? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिमांड का चेंज डिपेंड करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिमांड का चेंज डिपेंड करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस? उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला डिटर्मिनेंट आता है नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक ऐसा पर्टिकुलर कमोडिटी जिसके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत ही कम है और उसका प्राइस बढ़ गया। चलो मान लेते कि ये जो एसी है ये डाइकिन कंपनी का है, तो डाइकिन कंपनी ये एक ही कंपनी है सपोज जो एसी बनाता है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जीरो और इसका दाम बढ़ गया 5-10% से, तो डिमांड में चेंज कम होगा कि ज़्यादा होगा? डिमांड में चेंज कम होगा। क्यों? ऑप्शन ही नहीं आपने पास, इस एक ही एसी है, चाहिए तो लो नहीं तो मत लो। तो फिर ऐसे केस में इसका प्राइस बढ़ने के बाद इसका डिमांड में चेंज कम होगा, और अगर डिमांड में चेंज कम होगा तो इलास्टिसिटी इज लेस। डिमांड में चेंज कम बोला मैंने, डिमांड कम नहीं बोला मैंने, ध्यान से सुनो। डिमांड में चेंज अगर कम है प्राइस के मुकाबले तो इलास्टिसिटी इज लेस। समझा क्या? सपोज ये एसी का दाम 10% से बढ़ गया तो एसी का डिमांड 2% से ही कम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत कम है। तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूट्स अगर कम रहेंगे तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑल्सो लेस। अब रियल लाइफ सिनेरियो देख लो, डाइकिन कंपनी ने, अकेली कंपनी ने 10% से प्राइस बढ़ा दिया। रियल लाइफ में तो डाइकिन जैसी बहुत सी कंपनीज है जो एसी बनाती है, एलजी है, वर्लपूल है, सैमसंग है, बहुत लोग, वोल्टास है, ये सब लोग एसी बनाते हैं। और ऑब्वियसली नाउ डाइकिन इज द ओनली कंपनी जिसका 10% से प्राइस बढ़ा, तो ऑब्वियसली हम सब लोग क्या करेंगे, हमको अगर डाइकिन खरीदना था तो हम स्विच कर लेंगे सब्स्टिट्यूट पर, क्योंकि उनका प्राइस नहीं बढ़ा है ना, तो हम सब्स्टिट्यूट परचेस करेंगे और उस वजह से डाइकिन का जो डिमांड है वो 40-50% से कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट्स जितने ज्यादा इलास्टिसिटी वैल्यू उतना ज्यादा, सब्स्टिट्यूट्स जितने कम इलास्टिसिटी का वैल्यू उतना कम। समझे क्या सब लोग? तो लिखिए वहां पर, सब्स्टिट्यूट्स डाउन एरो इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑल्सो डाउन एरो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नेसेसिटी या तो लग्जरी। क्लासरूम का ही एग्जांपल कंटिन्यू रखते हैं। इस क्लासरूम में जो प्रोजेक्टर, जो स्क्रीन, जो कंप्यूटर, जो टैबलेट यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है? नेसेसिटी है। और एसी क्या है? लग्जरी है। हम इस क्लासरूम का इंटीरियर बना रहे थे और सपोज अभी गर्मी के सीजन में ये इंटीरियर हमको कंप्लीट करना था, ठीक है, गर्मी हो जो भी हो, इंटीरियर कंप्लीट करके यहाँ पर क्या करना है, आपने को सोना है कि पढ़ना है? पढ़ना है, राइट। तो हमने सोचा चलो इंटीरियर एकदम क्लास बनाते, एसी वेसी सब चाहिए, और पंखे चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सब चाहिए। हमने सबका कोटेशन ऑलरेडी एक महीने पहले लिया था, जस्ट अब परचेज करना था, तो वापस पूछ लिया दाम एक बार, तो पता चला कि एसी का दाम 25-20% से बढ़ा हुआ है और प्रोजेक्टर का दाम भी 25% से बढ़ा हुआ है। प्रोजेक्टर्स, सभी प्रोजेक्टर का दाम 25% से बढ़ गया, सभी एसी का दाम भी 25% से बढ़ गया। क्या करेंगे दोस्तों? दोनों कैंसिल कर देंगे, फिर प्रोजेक्टर लेंगे और एसी कैंसिल कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? जब गुड्स नेसेसिटी है, क्लासरूम के एंगल से प्रोजेक्टर इज मस्ट। इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो ऑब्वियसली हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकते ना, पीछे वाले को तो दिखेगा अभी नहीं क्या लिखा है। ऑब्वियसली वी नीड प्रोजेक्टर फॉर दिस, तो प्रोजेक्टर इज मस्ट इन आवर क्लासरूम, सो कैन आई कॉल दैट एज नेसेसिटी? नेसेसिटी का प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड चेंज बहुत कम हुआ, तो इलास्टिसिटी वैल्यू कैसा था? कम था। मगर लग्जरी जो एसी था, इसका प्राइस बढ़ने के बाद हमने इसका डिमांड चेंज किया, यस और नो? एसी का दाम बढ़ा था 20%, हमने डिमांड चेंज कर दिया, हमने बोला नहीं चाहिए एसी, विंटर में सेल आएगा ना तब लगाएंगे, विंटर में एसी जनरली बिकते नहीं है, तो विंटर में एसी पे सेल लगता है,
तब फिट करेंगे ना एसी, कुछ ऑफर में ले लेंगे ना तब। तो इस केस में लग्जरी कैन इट बी पोस्टपोन्ड? यस, देयर फोर लग्जरी डिमांड इज मोर इलास्टिक, बिकॉज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? लग्जरी कैन बी पोस्टपोन्ड बट नेसेसिटी कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। लिख दो उधर, लग्जरी कैन बी पोस्टपोन्ड, नेसेसिटी कैन नॉट। डन। सर लग्जरी में एसी का दाम बड़ा था सर, आपने एसी का डिमांड कम कर दिया मगर फिर भी आपने इलास्टिसिटी को अप एरो लिखा। सर एसी का डिमांड आपने कम कर दिया फिर भी इलास्टिसिटी का आपने अप एरो किया सर, क्योंकि डिमांड कम होना मतलब इलास्टिसिटी कम है ऐसा नहीं होता है। डिमांड में चेंज देखना पड़ता है आपको, डिमांड में चेंज हुआ क्या? चेंज ज्यादा, यस, तो फिर इलास्टिसिटी अप एरो। चेंज डाउन भी हो सकता है, चेंज अप भी हो सकता है, मतलब डिमांड घट भी सकता है, डिमांड बढ़ भी सकता है। जेपा सबको समझाओ। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, सपोज एग्जांपल लेंगे मिल्क वर्सेस पेट्रोल, मिल्क के यूजेस ज्यादा है तो मिल्क के यूजेस ज्यादा है तो मिल्क का इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब मिल्क का दाम बढ़ेगा तो आप अननेसेसरी यूजेस को कट कर सकते हो। कल का डिस्कशन याद है ना? यस, बट इन केस ऑफ पेट्रोल उनके यूजेस, पेट्रोल के यूजेस कम है, और अगर पेट्रोल के यूजेस ही कम है तो ऑब्वियसली पेट्रोल का दाम बढ़ने के बावजूद भी हम पेट्रोल का डिमांड ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, तो डाउन एरो आ जाएगा। करेक्ट, लिखते जाओ जो जो मैं लिख रहा हूं। मिल्क पेट्रोल, मिल्क के यूजेस ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा, पेट्रोल के यूजेस कम तो इलास्टिसिटी कम। शेयर ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, सपोज ये कंज्यूमर का बजट है 50,000, इसमें से होने वाला खर्चा एक कमोडिटी पर इतना ज्यादा है। कैन आई से द शेयर इज मोर? करेक्ट। अब ऑलरेडी मेरा बजट कितना था? 50,000, उसमें से इस चीज पर होने वाला खर्चा कितना था? 35,000। मेरे लिए आसान बात थी या बहुत मुश्किल थी? मुश्किल है भाई, 50,000 में से 35,000 एक चीज पे खर्च करना कितना मुश्किल है। अब अगर वो चीज का दाम बढ़ जाए तो मैं फिर भी उसको परचेस करूंगा क्या? मेरे बजट में से ऑलरेडी उस पर होने वाला खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा था मुझे, और उस चीज का दाम बढ़ गया तो मैं उस चीज को ज्यादा परचेस करने के पीछे लगता नहीं हूं, मैं उसको छोड़ देता हूं। उसका डिमांड चेंज ज्यादा होता है, उसका डिमांड का चेंज ज्यादा होगा। डू यू अग्री? सपोज फॉर एग्जाम्पल 50,000 का हमारा सैलरी है और हमको लैपटॉप लेना था 35,000 का। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर करके कहाँ तक पहुंचे थे? 35, पता चला 39,40,000 हो गया। हम बोलेंगे ठीक है दे दो, हम बोलेंगे नहीं चाहिए, 2 महीने बाद देखते हैं, समझे? तो जिस चीज का शेयर तुम्हारे बजट में, जिस चीज का शेयर ज्यादा होता है उसका प्राइस इलास्टिसिटी कैसा होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि डिमांड में चेंज हो रहा है ना, डिमांड में चेंज हो रहा है। अगर 2 मिनट के लिए सोचते कि उस चीज पे होने वाला खर्च बहुत ही कम है, जैसे कि इतना सा अमाउंट उस पे खर्च हो रहा है, 50,000 की हमारी सैलरी है और हमको 1,500 रुपीज खर्च करना था एक चीज पर, कितना? सिर्फ 1,500। अब ये 1,500 की चीज हो गई 1,800 900। हम बोलेंगे नहीं, बाद में आते, हम बोलेंगे इट्स ओके ठीक है दे दो,
बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस चीज का शेयर बहुत ही कम है हम उसका डिमांड में चेंज कम करते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी भी कम है। सबको समझ रहा है क्या? लिखो। शेयर अप एरो इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑल्सो अप एरो, शेयर डाउन एरो इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑल्सो डाउन एरो। कंज्यूमर हैबिट्स, कंज्यूमर अगर हैबिचुअल है किसी चीज के लिए, उसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसका डिमांड वो कम नहीं करता, चेंज इन डिमांड नहीं करता, इसलिए हैबिचुअल गुड्स अगर रहेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसा है, कम है कि ज्यादा है? कम है। क्यों कम है? स्मोकिंग का एग्जांपल ले लो, सिगरेट आज से 5 साल पहले कितने की मिलती थी, आज कितने की मिल रही है? आज से 5 साल पहले सिगरेट का डिमांड कितना था, आज कितना है? ज्यादा ही रहेगा ना, कॉमन सेंस से, क्वांटिटी वाइज नहीं मानूं मगर ज्यादा ही रहेगा। भाई प्राइस बढ़ने के बावजूद भी जो लोग हैबिचुअल है वो चीज उसको छूटती नहीं है, करेक्ट? आप इंडिया में रहते हो, रियलिस्टिक एग्जांपल आपके सामने आ रहा होगा, राइट? हैबिचुअल गुड्स, कोई स्मोकिंग का हैबिचुअल रहेगा, कोई ड्रिंकिंग का हैबिचुअल रहेगा, राइट? तो ऐसे केस में प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम वो लोग इस चीज का डिमांड कम नहीं कर सकते तो प्राइस इलास्टिसिटी कम है ना फिर, राइट? एग्जांपल आप लिख सकते हो सिगरेट्स, लिकर। अब बात करेंगे प्राइस रेंज की। प्राइस रेंज में तीन कैटेगरी आते हैं, वेरी हाई रेंज, वेरी लो रेंज एंड मिडिल रेंज। तो वेरी हाई रेंज ये लग्जरी कार्स वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं आप, वेरी लो रेंज 1-2 रुपए के जो आपके चॉकलेट वगैरह होते हैं ना वो ले सकते हो, वेरी लो रेंज में 1 रुपी का चॉकलेट है सपोज, ठीक है, 1 रुपी का चॉकलेट 1 रुपी 50 पैसे हो गया, 50 पैसे से बड़ा है, मतलब 50% से बड़ा है, आप कैंसिल कर दोगे लेना? नहीं, आप फिर भी लेते हो, क्या ही तो फर्क गिरता है, राइट? क्योंकि वैसे भी उस चीज पे बहुत ही कम वैल्यू जा रही थी अपनी। तो वेरी लो रेंज का इलास्टिसिटी कैसा होता है? कम होता है। अब वेरी हाई रेंज में, हाई रेंज नहीं बोल रहा हूं, वेरी हाई रेंज की बात कर रहा हूं, वेरी हाई रेंज में सपोज आप BMW लेने वाले थे, मर्सिडीज लेने वाले थे, और ऐसी गाड़ी जनरली 70 लाख 1 करोड़ ऐसे वैल्यू में आती है, उसकी वैल्यू बढ़ गई 2-3 लाख रुपए से, 2-3 लाख ज्यादा दिखता है मगर 1 करोड़ के सामने क्या ही तो है। जैसे अपन चॉकलेट में बोलते ना 1 रुपया क्या, 1 रुपया 50 पैसे क्या, वैसे विनोद सर, सुशील सर बोलते 1 करोड़ क्या और 1 करोड़ 3 लाख क्या, ले लो, और एक साथ दो दो लेते, एक साथ दो दो लेते हैं। तो भाई ऐसे केस में वेरी हाई रेंज में भी प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी वैल्यू कैसा था? कम था। एक दूसरे का अपोजिट मत सोचो उसको, समझे क्या? वेरी हाई वेरी लो अपोजिट है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम कैटेगरी में आता है, दोनों का इलास्टिसिटी वैल्यू कम होता है। मिडिल रेंज जो रहते हैं उस केस में ऑब्वियसली इलास्टिसिटी वैल्यू इज ज्यादा, क्योंकि मिडिल रेंज मतलब मिडिल कैटेगरी के लोग, इनको प्राइस बढ़ने के बाद असर होता है, करेक्ट? तो ये था प्राइस रेंज के बारे में। एवरीवन इज क्लियर अबाउट इलास्टिसिटी? टाइम पीरियड, समय, हमारे पास कोई चीज अगर अर्जेंटली रिक्वायर्ड है और वो चीज महंगे में मिल रही है, खरीदोगे? खरीदना ही पड़ेगा, अर्जेंट है ना। तो टाइम पीरियड अगर कम है तो इलास्टिसिटी वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि हम डिमांड चेंज नहीं करते, प्राइस चेंज होने के बावजूद भी डिमांड चेंज नहीं कर रहे हम लोग। वही अगर एक आधी चीज हमको अभी नहीं लग रही है, बहुत टाइम बाद लग रही है, आप जस्ट परचेस करने गए और आपको पता चला अरे महंगी है, आप क्या बोलते हो? अभी से क्यों लेना, बाद में लेते ना, टाइम है बहुत अभी, घर में शादी है 8 महीने बाद, ऐसे ही घूमने निकले थे, सोचा चलो 1-2 साड़ी ले लेते हैं, और देखा तो साड़ियों की कीमत बहुत ही बड़ी हुई है, और पूछा भाई इतना महंगा क्यों आ रहा है, तो बोले इम्पोर्ट्स बंद है, ये वो पता नहीं साड़ी का क्या लॉजिक, बट इम्पोर्ट्स बंद है, फैब्रिक नहीं आता होगा, व्हाटएवर। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स ओके, 8 महीने बाद शादी है, अभी से इतना महंगा क्यों लेना है? हम बोलते इट्स ओके, 2-4 महीने बाद देखेंगे। तो टाइम पीरियड ज्यादा था तो डिमांड में चेंज कर दिया हमने। अगर वही अगर परसों घर में शादी है
और आज आप शॉपिंग के लिए निकले हो तो ऑब्वियसली साड़ी महंगी हो या सस्ती हो, गोल्ड के रेट्स बड़े हो या कम हो, आपको लेना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो टाइम पीरियड जितना कम, इलास्टिसिटी वैल्यू उतना कम। टाइड डिमांड क्या बोलते, किसको बोलते हैं टाइड डिमांड? जॉइंट डिमांड को टाइड डिमांड बोलते हैं, मतलब एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज तो लगने वाली है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बस वो होते हैं टाइट डिमांड वाले गुड्स। जैसे कि शुगर, शुगर इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ एनीथिंग ना, लाइक टी के साथ शुगर लगता है, खाने को बनाने के लिए शुगर लगता है, स्वीट्स बनाने के लिए शुगर लगता है, तो इसका मतलब शुगर हैज अ टाइड डिमांड। कभी ऐसा होता है क्या घर में हम शुगर एक बाउल में डाले, चम्मच लिया और खाना चालू कर दिया? नहीं ना, इट इज ऑलवेज हैविंग अ टाइड डिमांड, करेक्ट। तो फिर अगर शुगर का दाम बढ़ जाए तो क्या होगा, फिर भी हम उसका डिमांड कम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब चीजें बनाना है, ये सब चीजें बनाना है तो शुगर तो लगने ही वाला है। तो फिर टाइड गुड्स का जब डिमांड आता है तो वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू यहां पर हर वक्त कम ही होती है। प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम इसे खरीदते ही है, क्योंकि बाकी चीजों का डिमांड फुलफिल करना है तो ये तो लगेगा ही, करेक्ट। तो ये थे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स थे वैसी सेम इनकम इलास्टिसिटी के भी टाइप्स रहेंगे। कितने टाइप्स थे प्राइस इलास्टिसिटी में? पांच, यहां पर होंगे छह। यहां पर छह, वो सिक्स्थ, वो जो आप नेगेटिव बोल रहे थे वो यहां पर आएगा। मैडम नेगेटिव बोल रहे थे आप इलास्टिसिटी, वो यहां पर आएगा। देखो सबसे पहले इनकम बढ़ा 10% से, डिमांड भी बढ़ा 10% से, यूनिटरी इलास्टिक। इनकम बढ़ेगा सपोज 10% से, डिमांड बढ़ेगा 20% से, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। इनकम बढ़ेगा 10% से, डिमांड बढ़ेगा 5% से, रिलेटिवली इन इलास्टिक आएगा। इनकम 10%, डिमांड 0, परफेक्टली इन इलास्टिक। इनकम नो चेंज, डिमांड सपोज इनकम नो चेंज 0%, एंड यहां पर ले लो 20%, लिख दो, चेंज कर दो आपके नोट्स में। तो इसको क्या बुलाएंगे, इनफाइनाइट बुलाएंगे ना, विथ नो चेंज इन इनकम देयर इज चेंज इन डिमांड। एंड लास्टली यहां पर एक और टाइप आपको लिखना है, वो है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे हम लोग पता है क्या, इनकम अप एरो 10%, डिमांड डाउन एरो मे बी 20%, इसको लिखो नेगेटिव इलास्टिसिटी, इसको लिखो नेगेटिव इलास्टिसिटी। कौन से गुड्स में पाई जाती है ये नेगेटिव इलास्टिसिटी, लिख दो आगे, इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। मतलब इनकम बढ़ने के बाद डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। डन गाइस। क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जानते हो क्या होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दोस्तों वो होता है जहां पर कंज्यूमर को कुछ भी फर्क नहीं गिरता, मैं उसको गुड ए दू या गुड बी दू, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब ऐसे केस में अगर ए का दाम बढ़ जाता है 10% से, तो ए के सभी कस्टमर बी पर आ जाएंगे, डू यू अग्री? क्योंकि ए कौन खरीदेगा यार, ए और बी बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो फिर ऐसे केस में ए का प्राइस सिर्फ 10% से बढ़ा था, मगर ए का डिमांड जीरो हो गया डायरेक्ट, मतलब ट्रिमेंडस चेंज इन डिमांड हो रहा है, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, इनफिनिट इलास्टिसिटी इज इनफिनिट, समझे कि नहीं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इलास्टिसिटी इज इनफिनिट, वेयर एज अगर दो गुड्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर है तो उनका इलास्टिसिटी इज जीरो। मुझे बोलिए मिल्क के दाम बढ़ रहे तो पेट्रोल का डिमांड क्या होगा, क्या संबंध, मिल्क के दाम बढ़ रहे तो पेट्रोल पिएगा क्या? पेट्रोल का डिमांड में नो चेंज होगा, इसका मतलब ये क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन मिल्क एंड पेट्रोल विच आर नॉट रिलेटेड टू इच अदर इज जीरो, नो चेंज इन डिमांड फॉर पेट्रोल ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मिल्क, क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो, यहां पे इनफिनिट।
अगर गुड्स सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट वर्ड लिखा नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के केस में अपन ने देखा कल डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, तो आगे लिख दो DR, डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। एंड यही सेम चीज अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बोलूं तो इनवर्स होती है, इसलिए नेगेटिव IR लिख दो उधर। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग। कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? परफेक्ट। डिमांड डिस्टिंक्शन मतलब क्या दोस्तों? अलग अलग टाइप के डिमांड्स। जैसे कि सबसे पहले प्रोड्यूसर गुड्स किसको बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड होता है ना, तो प्रोड्यूसर गुड्स आर गुड्स डिमांडेड बाय प्रोड्यूसर्स, एंड कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स। आप सब लोग, मैं जो गुड्स डिमांड करते हैं वो कौन से हैं? कंज्यूमर गुड्स। क्या डिमांड करते हैं हम? टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, वैलेट, लेयर्स, ये सब चीजें क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। वेयर एज प्रोड्यूसर गुड्स क्या करेगा? मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब डिमांड करेगा, तो उसके गुड्स के डिमांड को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो टिकाऊ होते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स में जैसे कि क्लोथिंग्स, वॉच वगैरह, ये सब ड्यूरेबल गुड्स है, एक बार यूज करके फेंकते नहीं, क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स है, करेक्ट। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होंगे? पेरिशेबल नेचर के। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल नेचर के, ये इनका शेल्फ लाइफ कैसा है? कम है, मतलब एक्सपायरी डेट है नजदीक। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब क्या बन गया? नॉन ड्यूरेबल। आओ चाय पियो, एक साल पहले दूध आया था घर में, बोलते क्या? नहीं ना, हम लोग चाय किस किस दूध की बनाएंगे? मैक्सिमम कल के दूध की बनाएंगे, क्योंकि भाई दूध का शेल्फ लाइफ ही एक दो दिन का होता है, करेक्ट। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन गया पेरिशेबल गुड्स विच आर डैश नॉन ड्यूरेबल। तो एक काम करो, दिमाग में दो बातें अपोजिट वाली सेम है सोच लो, पेरिशेबल है, नॉन ड्यूरेबल, नॉन पेरिशेबल है, ड्यूरेबल, याद रहेगा क्या? ओके। नेक्स्ट इज डिराइव्ड डिमांड, ऑटोनॉमस डिमांड। फॉर एग्जांपल, आपको शर्ट चाहिए, आपने शर्ट खरीदा, ऑटोनॉमस डिमांड। आपको शर्ट सिलवाना था इसलिए आपने बटन्स भी खरीदे, डिराइव डिमांड। आपको रिमोट कंट्रोल यूज करना था, आपने बैटरीज खरीदे, डिराइव डिमांड। आपको वॉच यूज करना था, आपने वॉच खरीदा, ऑटोनॉमस डिमांड। वॉच का बैटरी खरीदा, डिराइव डिमांड। प्रोडक्शन करना था, लेबर डिमांड किया, डिराइव डिमांड। कैपिटल डिमांड किया, डिराइव डिमांड, क्योंकि भाई ये कैपिटल, लेबर, लैंड, ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्यों चाहिए? प्रोडक्शन के लिए, तो इनका डिमांड क्या रहेगा? अरे इतना दूर क्यों जा रहे हो? पैसों का डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। खाएगा क्या पैसा? नहीं, कुछ खाने के लिए अगर खरीदना है तो पैसा चाहिए, समझा कुछ? तो मनी इज डिमांड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांड इज अ डिराइव डिमांड। लिखो उधर, मनी इज डिमांड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांड, मनी इज डिमांड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांड इज अ डिराइव डिमांड, इज अ डिराइव डिमांड। लिखा सबने? ऑटोनॉमस डिमांड सबको समझ गया रहेगा? जो चीजें आप डिमांड करते हो नॉर्मली वो सब ऑटोनॉमस ही होती है। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब किस चीज का डिमांड है? डिराइव डिमांड। कंज्यूमर गुड्स जो डिमांड करता है वो क्या है? ऑटोनॉमस। लिख दो वो भी सेंटेंस, कंज्यूमर गुड्स डिमांड इज, कंज्यूमर गुड्स डिमांड इज, जनरली लिखो आगे, जनरली, कंज्यूमर गुड्स डिमांड इज जनरली ऑटोनॉमस। वाई वी आर यूजिंग जनरली? बिकॉज वॉच की बैटरी आपकी भी खराब होती है, कंज्यूमर की भी खराब होती है,
तो आप जब बैटरी खरीदने जाते हो तो आप ये नहीं बोलोगे कंज्यूमर हूँ मैं, तो मेरा डिमांड तो हर वक्त ऑटोनॉमस ही रहेगा, समझा क्या? बट जनरली हमारा डिमांड क्या होता है? ऑटोनॉमस। वेयर एज प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड इज जनरली, यस, डिराइव डिमांड। प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड इज जनरली डिराइव डिमांड। करते है का? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली? नेक्स्ट, इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड में फर्क है क्या? अच्छा, कंपनी और इंडस्ट्री में डिफरेंस पता है क्या आपको? कंपनी मतलब एक फर्म, इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म इन सेम बिजनेस, दे आर कॉल्ड एज इंडस्ट्री। जैसे कि टाटा स्टील, कंपनी डिमांड। टाटा स्टील का डिमांड अगर मैं निकाल रहा हूं तो कंपनी डिमांड है वो, मगर स्टील डिमांड इन इंडिया इंडस्ट्री डिमांड, जिसमें बाकी स्टील कंपनीज का भी डिमांड आ जाता है, ऑफकोर्स टाटा स्टील का भी आएगा, समझ गए? सो विच डिमांड इज जनरली अ यू नो वाइडर टर्म? इंडस्ट्री डिमांड इज जनरली अ वाइडर टर्म। शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड। सिंपल भाषा में बोलूं तो जो डिमांड लॉन्ग रन के लिए चेंज होता है वो लॉन्ग रन है, जो शॉर्ट रन के लिए चेंज होता है वो शॉर्ट रन है। बट कब शॉर्ट रन के लिए चेंज होता है, कब लॉन्ग रन के लिए, वो सोचना जरूरी है। सपोज आप और मैं कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, मैंने अपना प्राइस चेंज कर दिया, मैंने अपना प्राइस थोड़ा कम कर दिया। आपका प्राइस 35 था, मेरा भी 35 था, मैंने 32 कर दिया, और तुरंत कुछ कस्टमर मेरे पास आए, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप भी 32 कर दोगे और तुरंत आपके कस्टमर वापस आपके पास चले जाएंगे, मतलब समझे आपको? मुझे जो डिमांड एक्स्ट्रा मिला वो शॉर्ट रन के लिए मिला। जब भी ड्यू टू चेंज इन प्राइस डिमांड में चेंज होता है वो कभी भी शॉर्ट रन का होता है। मगर सपोज आप और मैं कॉम्पिटिटर है, दोनों 35-35 में बेच रहे थे, मैंने प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाया, उस प्रोडक्ट में मैंने कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए जो आपके प्रोडक्ट में पहले या मेरे प्रोडक्ट में पहले नहीं थे, करेक्ट? तो फिर ऐसे केस में आपको वो प्रोडक्ट का चेंज तुरंत लाना पॉसिबल है क्या? आपको भी R&D करना पड़ेगा, आपको भी इनोवेशन करना पड़ेगा, और फिर या एटलीस्ट आपको मुझे कॉपी करने के एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। मैंने कैसे वो प्रोडक्ट में चेंज लाया, क्या चेंज लाया, ये आपको कॉपी करना पड़ेगा, फिर आपके प्रोडक्शन में उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपके यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और आपके डिमांड वापस आएंगी। ये शॉर्ट रन रहेगा या लॉन्ग रन रहेगा? लॉन्ग रन रहेगा। तो कहने से जब एक कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट में चेंज लाता है तो वो लॉन्ग रन के लिए इम्पैक्ट होता है, जब एक कॉम्पिटिटर प्राइस में चेंज लाता है तो वो शॉर्ट रन के लिए इम्पैक्ट होता है, करेक्ट? तो यहाँ लिखा है ड्यू टू इमीडिएट प्राइस चेंज इट इज शॉर्ट रन, ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट इट इज जनरली लॉन्ग रन, करेक्ट? यस। नाउ कमिंग टू योर एक्सटेंडेड सिलेबस ऑफ चैप्टर 2, आई एम कॉलिंग दिस एज एक्सटेंडेड बिकॉज ये न्यूली एडेड है फाउंडेशन के बाद, और इस पर जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है, मगर यस ये भी हम कवर करेंगे। क्यों नहीं आते, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में पहले डिमांड चैप्टर में जितने क्वेश्चंस थे वो अभी भी उतने ही है शायद, इसलिए ज़्यादा कुछ एग्जाम में आता नहीं है इसमें से, मगर अगर आ गया तो आपको आना चाहिए। अगर ये लेक्चर वो सुन लिए तो वो शायद ऐड कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। डिमांड फोरकास्टिंग, व्हाट इज फोरकास्टिंग? डिमांड एस्टिमेशन इज वन स्टेप, सेकेंड स्टेप विल बी फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन। डिमांड को जानना इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग। फ्यूचर कोई परफेक्टली जान नहीं सकता है, मगर एटलीस्ट अंदाजा तो लगा सकता है ना, तो बस डिमांड का हम क्या कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, मगर वो थोड़े परफेक्शन के साथ, थोड़े साइंटिफिक मेथड्स के साथ कर रहे हैं। इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग प्रोबेबल डिमांड। प्रेडिक्टिंग समझता क्या? फ्यूचर एस्टिमेशन। प्रोबेबल डिमांड मतलब एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब डिमांड कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं हो सकता, सर्विसेज का भी डिमांड हो सकता है। At some future date, on the basis of certain past behavioral pattern
ऑफ रिलेटेड इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग ट्रेंड इन द प्रेजेंट। अब मुझे बताइए वीसीआर मालूम है क्या आपको? वीसीआर पहले ऐसे बड़े कैसेट्स हुआ करते थे ब्लैक कलर के, उसको वीसीआर में डालकर प्ले किया जाता था। दोनों साइड से जब ऐसे पुश करेंगे तो वो अंदर ले लेता था कैसेट को, फिर घुर्र आवाज आता था और फिर प्ले होता था। ये वीसीआरस आज बिकेंगे क्या? अगले साल 2023 में वीसीआर का क्या डिमांड रहेगा अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे जीरो। ऑन व्हाट बेसिस? पास्ट ट्रेंड तो भाई ये था कि वीसीआर बिकता था, मगर प्रिवेलिंग ट्रेंड इन द प्रेजेंट क्या है? वीसीआर के बाद सीडीज आ गए, सीडीज के बाद तो पेन ड्राइव्स आ गए, गूगल ड्राइव्स आ गए, आजकल तो सब क्लाउड पे है। समझे कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कोई भी चीज़ का एक ट्रेंड देखने के लिए ऑब्वियसली आपका कोई भी चीज़ का डिमांड फोरकास्ट करने के लिए आपको पास्ट ट्रेंड भी देखना पड़ता है और प्रेजेंट क्या चल रहा है वो देखकर फ्यूचर एस्टिमेट करना होता है। एग्जाम्पल, आज से अगर 2 महीने पहले मैं आपको पूछूं कि ये जो हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं कोविड का, इसका डिमांड आपको कैसा दिख रहा है? तो आप बोलोगे ज़्यादा दिख रहा है। 2 महीने 4 महीने पहले जनवरी के आसपास तो वो ओमिक्रॉन वगैरह आ गया था, ऑलमोस्ट 2 वेव में जो बच गए थे सब लोग फंस गए, इंक्लूडिंग। ठीक है, अब ये केस में एवरीबडी वॉज वेयरिंग मास्क बिकॉज बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा था वो। मगर आज अगर मैं आपको बोलूँ मास्क का आपको डिमांड फ्यूचर में क्या दिख रहा है, क्या होगा? कम हो गया ना? जीरो तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भले मास्क पहनना ऑब्लिगेशन नहीं है मगर खुद के मर्जी से अपन कभी कभी पहनते हैं। जहाँ पर अपने आसपास कोई पहचान के लोग नहीं है, अपन कोई पब्लिक प्लेस पे गए तो अपन तुरंत मास्क निकाल के पहन लेते हैं। अभी आप सबको अपने सबको आदत हो गई मास्क कैरी करने की, करेक्ट? नहीं हुई? 2 साल में भी नहीं हुआ? बस 2 साल मास्क पहन के भी आदत नहीं लगी? तो एनीवेज, ऐसे सिनेरियो में मुझे बताइए प्रिवेलिंग प्रेजेंट ट्रेंड देखेंगे, पास्ट ट्रेंड देखेंगे और फ्यूचर डिमांड करेंगे, क्या रहेगा डिमांड एस्टिमेट करेंगे, उसको फोरकास्ट करेंगे। यूजफुलनेस, क्यों आके डिमांड एस्टिमेशन किया जाएगा, डिमांड फोरकास्टिंग क्यों किया जाएगा? प्लानिंग करने के लिए, प्रोडक्शन का प्लान करने के लिए मेनली, बराबर ना? फिर अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा प्लान करना है तो ऑब्वियसली डिमांड देखकर ही एडवर्टीजमेंट किया जाएगा ना। तो बहुत से खर्चे भी अपने किस पे डिपेंड करते हैं, कितना डिमांड है उस पे डिपेंड करते हैं। वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एट नेशनल लेवल एंड फर्म लेवल ऑल्सो। फर्म लेवल पे डिमांड फोरकास्ट किया जा रहा होगा तो फर्म लेवल का डिसीजन मेकिंग आएगा, नेशनल लेवल पर डिमांड फोरकास्ट किया जाएगा तो नेशनल लेवल का प्लानिंग आ जाएगा पिक्चर में। Enables the firm to perform efficient business planning. Business का पूरा प्लान हम लोग कब डिसाइड कर सकते हैं? जब हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, मार्केट में जैसे कि XUV700 भी आया और मार्केट में नैनो भी आया। नैनो वॉज टोटली अ फ्लॉप, XUV700 इज टोटली अ हिट। महिंद्रा का गाड़ी की बात करो मैं, XUV700 ऑलमोस्ट ऑनलाइन सेल ऑफ व्हीकल में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसने, 35,000 व्हीकल्स बुक्ड इन 28 मिनट्स। 28 मिनट्स के ऑनलाइन सेल में 35,000 व्हीकल्स ऑनलाइन बुक्ड। ऑब्वियसली अब ये जो थोड़ा सा इनको जजमेंट आया, ऑनलाइन सेल इन्होंने क्यों रखा, इनको समझा कि और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शायद ज़्यादा दिख रहा है, शायद गाड़ी का प्रोडक्शन कितना करना है समझ नहीं रहा है, चलो ऑनलाइन बुकिंग लाते हैं और डिलीवरी बाद में रखते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग लाया और समझा ओ माय गॉड इतना ज़्यादा सेल है, तो ऑब्वियसली फिर प्रोडक्शन प्लानिंग अकॉर्डिंगली किया जाएगा ना। बट अगर नैनो 1 लाख में कार जो बोला था उन्होंने, जो कि 1 लाख की जगह 2 लाख 2 लाख 50 तक जाता है नैनो कार, वो भी ऐसा आवाज़ करता है कि आसपास के 4 घर को समझता है गाड़ी स्टार्ट हो गई अभी और कहीं तो भी बाहर जा रहा है ये आदमी, है ना? तो अब ये नैनो कार इसका सेल इतना क्यों नहीं हो पाया? 1 लाख का कार सुनकर तो ऐसा लगा था कि हर घर के बाहर कार रहेगा,
फिर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देर वॉज सम प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू इंजिन नॉइज, कम्फर्ट वगैरह जो भी है। गाड़ी में बैठेगी और गाड़ी ऐसा हलेगा हर वक्त, ऐसे वाइब्रेशन मोड पे रहेगा, तो कम्फर्ट लेवल रहेगा क्या? नहीं ना। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा उनको अंदाज आया कि ये मॉडल जो है ये जितना हम सोच रहे उतना पावरफुल नहीं है, शायद सेल नहीं होगा। तो इन्होंने अंदाज़ा लगा रहेगा कि ये टेस्ट ड्राइव लो और बताओ ये गाड़ी आप परचेस करोगे क्या। लोगों ने बोला हे नहीं नहीं भाई, ये नहीं परचेस करना है आपने को, क्या व्हीकल है भाई, इसमें पहले सुधारना लेके आओ, टेस्ट ड्राइव के लेवल का भी नहीं दिख रहा है ये। तो ऑब्वियसली नया मॉडल भी आया अभी नैनो का। तो ये सिनेरियो होता है, हर प्रोडक्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि XUV700 डायरेक्टली एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बन चुका, पहले उन्होंने 300-500 निकाला है और उसमें बहुत से चेंजेस लाकर 700 निकाला है। सो डिमांड फोरकास्टिंग में बोलने का मतलब ये था कि आपको प्रोडक्शन प्लान दिखाएगा फर्म को एक्सपेंडिचर प्लान भी दिखाएगा। मेरा सेल होने वाला है 100 का, मैं एक्सपेंडिचर 1000 का करूँ क्या? तो 1000 का एक्सपेंडिचर करूँ या नहीं करूँ कैसे डिसाइड होगा? पहले सेल कितना होगा इसका अंदाजा तो लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑफर्स इन्फॉर्मेशन ऑन बजटरी प्लानिंग, पूरा बजट प्लान कर सकते अगर हमने डिमांड फोरकास्ट किया तो। प्रोसेस सिलेक्शन, किस प्रोसेस से हमें प्रोडक्शन करना है। कैपेसिटी प्लानिंग, प्लांट कितने कैपेसिटी का है, इतना कैपेसिटी हमारे डिमांड के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, सब कुछ। फैसिलिटी लेआउट, पूरे फैक्ट्री का लेआउट, कहाँ शोरूम रहेगा, कैसे प्रोडक्शन कहाँ होगा, बैकएंड पे आपका जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो कहाँ होगा, सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ बैठेगा, उसको बोलते हैं फैसिलिटी लेआउट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना स्टॉक रखना है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक, कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक हमें मेंटेन करना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है जब हम लोग क्या करते हैं, डिमांड फोरकास्ट करते हैं। अब डोंट यू थिंक, अभी सिंपल सी बात है, कैपेसिटी प्लानिंग का एग्जांपल लेता हूँ। XUV 700 ने कभी सोचा नहीं था इतना बुकिंग मिलेगा, मगर जैसे ही पता चल रहा है कि इतना बुकिंग आ रहा है तो इन्होंने अपना कैपेसिटी प्लानिंग चेंज किया रहेगा ना। जहाँ एक फैक्ट्री में पहले पर डे सपोज 100 व्हीकल्स बन सकते थे, इन्होंने ट्राई किया रहेगा 500 कैसे बने, फिर वो सेम फैक्ट्री में नहीं हो तो दूसरे फैक्ट्री में। बट इन्होंने विदाउट डिमांड फोरकास्टिंग ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसी जस्ट बिकॉज महिंद्रा कंपनी को लगा इसलिए नहीं किया उन्होंने, उन्होंने प्रॉपर डिमांड फोरकास्ट करके ये सब किया है। प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूल कर सकते हैं हम लोग एडवांस में। ऑब्टेन ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर प्लानिंग सच एज इनपुट एंड फाइनेंस। हमें प्रोडक्शन के लिए क्या लगता है मालूम है आपको? फाइनेंस लगता है और इनपुट्स रॉ मटेरियल वगैरह भी लगता है। ये हम लोग प्रॉपरली प्लान कब करेंगे? जब हम डिमांड का मतलब हम प्रोडक्शन का प्लानिंग करेंगे। प्रोडक्शन का प्लानिंग कब रेडी होगा? जब डिमांड फोरकास्ट होगा। अब स्कोप की बात करेंगे दोस्तों, स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग। स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग अलग अलग टाइप से हो सकता है, जैसे कि इट कैन बी एट इंटरनेशनल लेवल, इट कैन बी कन्फाइंड टू लोकल लेवल ऑल्सो। बराबर है कि नहीं? अगर आपका मेरा प्रोडक्ट ही लोकल लेवल का है तो मुझे फोरकास्टिंग भी लोकल लेवल का करना है, मगर मेरा प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल कैटेगरी का है तो मेरा फोरकास्टिंग भी इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है। फॉर अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म, इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ फोरकास्टिंग द डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम इन्वॉल्वमेंट इन फोरकास्टिंग, इट ऑल्सो डिमांड इन द विद रिगार्ड टू बेनिफिट्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जस्ट इमेजिन, ये प्रेस्टीज पॉइंट के सामने एक छोटा सा चिलिंग अड्डा नाम का एक शॉप है, कैफे, इसका डिमांड फोरकास्टिंग इसको करना है और सोच रहा है वो यार इंटरनेशनल लेवल पर मेरा क्या होगा। हो सकता है कुछ लोकल है तो उसने लोकल लेवल के एंगल से फोरकास्टिंग करना चाहिए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है चिलिंग अड्डा अगर इंटरनेशनल लेवल तक जाए तो? ऑनलाइन डिलीवरी करेगा, सब करेगा, बट भाई कॉस्ट ऑफ फोरकास्टिंग कितना जाएगा? उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी वहां तक नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक फर्म ने या एक कोई भी फोरकास्टिंग ने कितने लेवल पर जाना है वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर, कि उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कितना है, उसका कॉस्ट ऑफ फोरकास्टिंग कितना है, उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट क्या है और उसका बेनिफिट क्या होगा डिमांड फोरकास्टिंग का। समझे? वही अगर लेट से लैक्मे सलून का जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ये लोग अपना डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ये लोग डू यू थिंक कि बाजीराव रोड शुक्रवार पेट का डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे? ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर फोरकास्टिंग करेंगे। दस नेसेसरी ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ के वहां पर लिख दो बैलेंस। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस। दस नेसेसरी ट्रेड ऑफ दैट इज बैलेंस
has to be done between the cost of forecasting and the benefits from forecasting. Benefit of forecasting कितना मिल रहा है और cost कितना लग रहा है. कभी भी benefit of forecasting should be more than cost of forecasting. Common sense. बराबर ना. In capital investment can be aligned to demand expectation. कब कब कितना investment करना है वो depend करता है demand कैसे कैसे आएगा. And this will be checked possibility of overproduction and underproduction, unused capacity and idle resources. अगर मैं proper demand forecasting करूँ, इस महीने में इतना demand है, अगले महीने में उतना demand है, उसके अगले महीने उतना demand है, तो मैं अपना capital investment भी plan कर सकता हूँ. इससे क्या होगा, मैं एक ही महीने में overproduction नहीं करूँगा या मैं कोई महीने में underproduction भी नहीं करूँगा और मेरा capacity properly utilized रहेगा. मेरे पास excess capacity भी नहीं बचेगा ना मेरा कैपेसिटी कम गिरेगा. समझे. तो टाइम टू टाइम हमने डिमांड फोरकास्टिंग के हिसाब से पूरा आगे प्रोडक्शन करना चाहिए. डिमांड फोरकास्टिंग का फायदा क्या है, ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, अंडर प्रोडक्शन नहीं होगा, आपकी कैपेसिटी अनयूज्ड भी नहीं रहेगी और आइडल भी नहीं रहेगी, रिसोर्सेज भी आइडल नहीं रहेंगे आपके. फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल प्राइजिंग एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज. आप डिमांड फोरकास्ट करके देख लो, आपको डिमांड कम लग रहा है तो आपने प्राइजिंग क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए डिमांड बढ़ाने के लिए. बाकी लोग, अगर मुझे डिमांड कम दिख रहा है तो मैंने क्या करना चाहिए, प्राइसिंग को कम करना चाहिए. डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो प्राइसिंग बढ़ा देना चाहिए. बढ़ाया XUV700 ने प्राइस, मानू मैं आपको, बिकॉज दिख रहा है उसको अगले दो साल की बुकिंग हो चुकी है और क्या चाहिए उसको, अब तो प्राइस बढ़ा सकता है ना. सो दिस हेल्प्स यू टू सूटेबली प्राइस योर प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंगली आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आप प्लान कर सकते हो. टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन लेवल, मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है, माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है. मैक्रो लेवल मतलब क्या, जनरल एग्रीगेट. तो डील्स विद द जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीजें अंडरलाइन करो और मुझे बताओ ये इकोनॉमी लेवल पे या फर्म लेवल पर है. इकोनॉमी लेवल पर है तो ये फोरकास्ट को मैं क्या बोलूंगा, मैक्रो लेवल फोरकास्ट. जो फोरकास्ट में ये चीजें यूज होंगी वो फोरकास्ट क्या रहेगा, मैक्रो लेवल. वेयर एज इंडस्ट्री लेवल अगर है तो इंडस्ट्री लेवल में कंसर्न विद द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट एज अ होल, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट डिमांड. यहाँ पे अंबुजा सीमेंट लिखा है या सीमेंट डिमांड लिखा है, तो ये फर्म लेवल है या इंडस्ट्री लेवल है, इंडस्ट्री लेवल है. वेयर एज फर्म लेवल रहेगा तो ये देखिए कंसर्न विद द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स प्रोडक्ट, जैसे कि ACC सीमेंट या सिर्फ अंबुजा सीमेंट, ये क्या बन गया, फर्म लेवल. वेयर एज टाइम पीरियड की बात करेंगे तो शॉर्ट रन डिमांड भी हो सकता है. शॉर्ट रन डिमांड वो फोरकास्टिंग होता है जनरली अप टू 1 ईयर चलता है, जनरली अप टू 1 ईयर. पूरे इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन लॉन्ग रन टाइम पीरियड वाइज सिर्फ इधर दिखाया हुआ है, सिर्फ इस जगह दिखाया हुआ है. बाकी पूरे सिलेबस में आप शॉर्ट रन कब बोलोगे, लेस देन 1 ईयर को शॉर्ट रन नहीं बोलते अपन. जहां हम चारों फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते उसे शॉर्ट रन बोलते हैं और जहां चारों फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे उसे लॉन्ग रन बुलाएंगे, पूरे इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये पार्ट को छोड़कर. याद रहेगा ना, यूजुअली 6 months to 1 year रहेगा तो शॉर्ट रन बोलते हैं, 2 to 5 years रहेगा, 7 years रहेगा तो उसे लॉन्ग रन बोलते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, विच गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, पहले तो दिमाग में एक एग्जाम्पल फिट कर देने का, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का कोई एक एग्जाम्पल देगा. मिल्क कंज्यूमर गुड्स, हमारे गुड्स है मिल्क, नॉन ड्यूरेबल है कि ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल. ठीक है, अब उसके एंगल से वेजिटेबल मिल्क ये सब चीजें आ जाएगी. तो डिस्पोजेबल इनकम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड कितना रहेगा. व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, अभी इनकम तो सुना था ऋतु, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम माइनस टैक्सेस इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम. मतलब इन शॉर्ट मेरे खर्चे के लिए कितना पैसा है,
जितना पैसा मेरे खर्च के लिए अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से मैं खर्च करूंगा ना। ओके तो अब मोर द डिस्पोजेबल इनकम ग्रेटर विल बी द डिमांड, डू यू अग्री? मुझे बताओ कि हर किसी के घर यहाँ पर सेम क्वांटम ऑफ मिल्क वेजिटेबल आता है क्या? जिसका इनकम ज़्यादा उसके घर ज़्यादा ही आता होगा। सर घर में तीन मेंबर है, इधर भी घर में तीन मेंबर है, तो इधर के तीन मेंबर के लिए ज़्यादा आएगा क्या सर अगर इनकम ज़्यादा रहेगा तो? द आंसर इज येस। डू यू अग्री? डू यू अग्री? सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग हैं, एक का जॉब है सिक्योरिटी गार्ड, दूसरे का जॉब है बड़े कंपनी का मालिक, दोनों के घर तीन तीन मेंबर है, दोनों के घर वेजिटेबल्स सेम क्वांटिटी में आते हैं क्या? मिल्क सेम क्वांटिटी में आता है क्या? फर्क है ना? यस। तो इसका मतलब मोर द डिस्पोजेबल इनकम ग्रेटर विल बी द डिमांड, लेसर द डिस्पोजेबल इनकम लेस विल बी द डिमांड। प्राइस, तो प्राइस के तक ओन प्राइस भी इंपॉर्टेंट है और रिलेटिव रिलेटेड गुड्स का भी प्राइस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ओन गुड्स में क्या होता है, जो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स तुम स्टडी कर रहे हो वो ओन गुड्स हो गया, उसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहेगा ना। मिल्क का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है कि नहीं होता है? तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मिल्क का डिमांड कम होगा कि नहीं होगा? आप समझ रहे हो बात को? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में आपने बोला मिल्क है, ठीक है मिल्क है, मिल्क का सपोज आपको स्वीट्स बनाने थे तो स्वीट्स के लिए एक पर्टिकुलर आइटम लगता है, सपोज मुझे नहीं मालूम क्या आता है, शुगर नहीं कोई और, कोई भी और जो फॉर एग्जांपल रस मलाई के लिए लग रहा होगा या कुछ और चीज़ के लिए लग रहा होगा, आप मिल्क के साथ उसको ऐड करते हो तो वो स्वीट बनता है। अब मुझे बताओ वो जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री बोलकर ऐड हो रही है मिल्क के साथ, उस चीज़ का दाम ही बढ़ गया तो हम ये बनाना कम कर देंगे, उससे मिल्क का डिमांड भी कम हो जाएगा ना, करेक्ट? तो ओन गुड्स का प्राइस भी इंपैक्ट करता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी इंपैक्ट करता है, इनके बीच कौन सी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स होती है, होती है कि नहीं? मिल्क का प्राइस बढ़ गया स्वीट्स बनाना कम हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो भी स्वीट्स बनाना कम हो जाएगा तो मिल्क का डिमांड भी कम होगा कि नहीं? यस। तो ओन गुड्स हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, जब दाम बढ़ता है तो मेन गुड्स का डिमांड कम होता है, करेक्ट? जैसे कि प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ा हो या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ा हो, ये प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ने दो या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ने दो, डिमांड फॉर मिल्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डू यू अग्री? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आप सबको पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। रिलेटेड गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब ये आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। देन दोस्तों आपके जो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है उसके डिमांड के लिए ये भी मैटर करता है, डेमोग्राफी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ह्यूमन नॉन ह्यूमन, अगर ह्यूमन रहेगा तो उसमें भी लाइक्स डिसलाइक्स हर एक के अलग होते हैं। मुझे बताओ हर एक के घर सेम सब्जी आती क्या? वेजिटेबल्स, अपने अपने फैमिली के लाइक्स होते हैं और डिसलाइक्स होते हैं, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल मुझे बैंगन नहीं पसंद है बट किसी और को फेवरेट रहेगा बैंगन, तो उनके घर ऑब्वियसली बैंगन का परचेसेस ज़्यादा होगा और मेरे घर कम होगा। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, करेक्ट? उसको क्या बोलने का? डेमोग्राफी। क्या बोलने का? डेमोग्राफी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, पहले दिमाग में एक एग्जाम्पल फिट करो, क्या क्या? क्लोथ्स, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ऑटोमोबाइल, कार वगैरह, करेक्ट? तो ये क्या बन गया? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नाउ सी, रिप्लेसमेंट और पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द सोशल स्टेटस,
depends on the prestige, depends on the level of money income, depends on the rate of obsolescence. What is the meaning of obsolescence? Outdation. Outdating. Outdated बोलते हैं ना इसको. Outdated हो जाता है. कितने जल्दी outdated हो जाता है उसके ऊपर depend करता है कि हम उसे replace कब करते हैं. कब रिप्लेस करेंगे ड्यूरेबल गुड्स, वो डिपेंड करता है अपना सोशल स्टेटस क्या, अपना प्रेस्टीज वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बोले कि यार तू तो यार हर पार्टी में अलग शर्ट पहनता है, तो ये क्या बन गया माने में, आपका सोशल स्टेटस बन गया. अब इसके आगे क्या होगा माने में, आप जब जाओगे तो आपको शर्ट वो सेम पहनने में शर्म आएगी और आप मजबूरन रिप्लेस करोगे और नया शर्ट पहन के जाओगे. समझा, सोशल स्टेटस ऊपर रहने का प्रॉब्लम भी है. कोई पर्सन है हर दो साल में गाड़ी चेंज, हमेशा हर साल चेंज करते, हर दो साल में भी नहीं हर साल चेंज करते, ईयर चेंज गाड़ी चेंज. तो ऐसे सिनेरियो में मुझे बताइए, 2022 के बाद उनको गाड़ी चेंज करने की इच्छा नहीं थी, उनको लगा कि यार ये जो गाड़ी 2022 में लिया ये बेस्ट है, मगर फिर सोशल स्टेटस प्रेस्टीज वैल्यू. अगर 2023 में नहीं चेंज किया तो अपन बोलेंगे क्लास नहीं चल रहा है क्या इनका, होता है ना ऐसा. तो दिस इज कॉल्ड सोशल स्टेटस प्रेस्टीज वैल्यू, और इनकी वजह से डिपेंड करता है कि आप उस चीज का रिप्लेसमेंट कब करोगे. करेक्ट, तो ड्यूरेबल गुड्स में ये मैटर करता है. देन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज फॉर देयर यूज. ड्यूरेबल गुड्स में एग्जांपल बेस्ट आता है जैसे कि रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर को यूज करना है तो बेसिक चीज क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी. अगर एक ऐसे गांव की बात कर रहे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां रेफ्रिजरेटर का डिमांड क्या रहेगा, कुछ नहीं. समझा कि नहीं. सपोज चलो ये अमित सर ने लिया था वो जगुआर 1.5 करोड़ का गाड़ी, जमीन से इतने डिस्टेंस पर रहता है वो, स्पीड ब्रेकर भी आया तो धप्पो, अंदर वाले को पूरा फील होता स्पीड ब्रेकर से गया गाड़ी, क्योंकि नीचे टच होता है. तो अब मुझे बताइए, इसके लिए बाय डिफॉल्ट स्पीड ब्रेकर नहीं है एक्चुअली, खड्डे, जो इंडिया के रोड के खड्डे होते हैं, कभी कभी खड्डों में रोड होता है, राइट. तो ऐसे खड्डों में रोड वाले केस में ये जगुआर जैसी गाड़ी जो इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, ऑब्वियसली ये गाड़ी के लिए ये रोड है ही नहीं, करेक्ट. तो फिर डोंट यू थिंक दैट दैट व्हीकल रिक्वायर्स स्पेशल फैसिलिटीज. तो वो स्पेशल फैसिलिटीज जितनी ज्यादा रहेगी व्हीकल का सेल उतना बढ़ेगा. अगर कोई आपको पूछे कि अरे यार जगुआर लोगे क्या, इतना ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी, आप बोलोगे यार क्या लेके फायदा, इंडिया में लेकर फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि इंडिया में वैसे रोड्स ही नहीं है, करेक्ट. तो स्पेशल फैसिलिटीज जितनी ज्यादा अवेलेबल होगी उसका डिमांड बढ़ेगा. वो जो गांव जिसकी बात कर रहे थे अपन, उस गांव में अगर बिजली आ जाए तो डोंट यू थिंक वहां पर रेफ्रिजरेटर का डिमांड तुरंत बढ़ जाएगा. So that is called requirement of special facilities, road, electricity, etc. ये है या नहीं है, और अगर है तो इसमें growth होगा या नहीं होगा, depend करता है ना. अभी आपको पता है श्रीलंका में 12-13 घंटे electricity नहीं है, यहाँ पर श्रीलंका में आज के time में कोई नया refrigerator लेगा क्या, है वही बंद है, नया लेके क्या करेंगे, of course special facilities missing. कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल वहां लेगा, शायद ले भी सकता है, 12-13 घंटे बचे हुए चार्जिंग कर लेगा, पेट्रोल डीजल तो वैसे भी नहीं है. यस, पेट्रोल डीजल नहीं है उधर, तो पेट्रोल डीजल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट. तो फिर ऐसे केस में नया पेट्रोल डीजल का कार कोई खरीदेगा क्या, तो ये सब मैटर करता है, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके डिमांड पर. यूज्ड बाय मोर देन 1 पर्सन इन फैमिली. अगर कोई चीज मोर देन 1 पर्सन फैमिली में यूज करने वाला है तो मालूम है क्या होता है, पूरे फैमिली के रिक्वायरमेंट्स देखे जाते हैं उसको खरीदने के लिए. फैमिली में कितना इनकम है, फैमिली का साइज क्या है, एज ग्रुप कैसे, ओल्ड एज ज्यादा है या मिडिल एज ज्यादा है, यूथ ज्यादा है या चिल्ड्रन ज्यादा है, एंड सेक्स कंपोजिशन मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, ये सब देखकर उसको खरीदा जाता है. एग्जाम्पल दूंगा आपको तुरंत समझ जाएगा, आप इंडिया में रहते हो. एक टू व्हीलर खरीदना था घर पे, सोचा टू व्हीलर खरीदते, यार टू व्हीलर चाहिए, तो सोचे यार यार घर में अभी लेडीज भी है जेंट्स भी है, तो फिर बाइक खरीदने से अच्छा है एक स्कूटी, कोई एक्टिवा टाइप का खरीद ले,
स्कूटी भी नहीं रही, एक्टिवा टाइप का कुछ खरीद ले जो दोनों भी यूज कर सकते हैं, होता है ना ऐसा, मेल फीमेल मेंबर्स भी यूज कर पाए, ऐसा कोई व्हीकल यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। बट फिर हर पर्सन ऐसा एक्टिवा ही खरीदता है क्या? जिसका इनकम बहुत ज्यादा रहेगा वो शायद और महंगी गाड़ी, इसी टाइप की मोपेड गाड़ी मगर महंगी गाड़ी, मोपेड इज विदाउट गियर, विदाउट गियर गाड़ी बट थोड़ी महंगी कैटेगरी की, क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है तो वो खरीदेगा, होता है ना ऐसा। यस, ओल्ड एज लोग ज्यादा है तो एक्टिवा स्कूटी तक ठीक है, उनको क्या बाइक दोगे ऐसे, रेसर बाइक दोगे उनको? तो फिर ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके हम परचेज करते हैं, क्योंकि गुड्स कौन से हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। रिप्लेसमेंट डिमांड, किसी चीज का रिप्लेसमेंट करना है आपको, जैसे कि आप कंज्यूमर हो, आप ड्यूरेबल गुड्स डिमांड कर रहे हो। मे बी सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा इसके लिए टायर, गाड़ी के टायर्स ड्यूरेबल है, कंज्यूमर गुड्स है। ओके, अब आप बताओ आप टायर्स का डिमांड कितना करोगे? वो डिपेंड करता है आपके पास कार्स कितने हैं, यस और नो? तो क्या लिखा है देखो, रिप्लेसमेंट डिमांड ग्रेटर द करंट होल्डिंग ग्रेटर विल बी द रिप्लेसमेंट डिमांड, एज सिंपल एज दिस। करंट होल्डिंग जितना ज्यादा है रिप्लेसमेंट डिमांड उतना ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कार के बैटरीज, इसका रिप्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्स पर डिपेंड करता है ना। नंबर ऑफ कार्स ज्यादा रहेंगे तो बैटरीज का रिप्लेसमेंट भी ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ कार्स ज्यादा रहेंगे तो टायर का रिप्लेसमेंट भी ज्यादा लगेगा। लास्टली प्राइस एंड क्रेडिट फैसिलिटी, कितना प्राइस है और क्रेडिट फैसिलिटीज कितनी ज्यादा है। प्राइजेस जितनी ज्यादा है ऑब्वियसली आपको पता है उतना डिमांड कम हो जाएगा, मगर क्रेडिट फैसिलिटीज जैसे कि यू नो 0% लोन, 0% ईएमआई, 0 प्रोसेसिंग फीस, 10,000 की चीज रहेगी तो 10,000 मत दो, 2,000 के 5 इंस्टॉलमेंट दे दो। ऐसे स्कीम्स जितने ज्यादा आएंगे उतना ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। लिटरली 2006 आई वेंट टू यूएस, फर्स्ट टाइम आई सॉ देयर कि मोबाइल भी क्रेडिट पर लोग ले रहे हैं, और मैंने बोला कैसे पागल है रहे ये लोग, मोबाइल क्रेडिट पर लेना ये कंसेप्ट तो इंडिया में आ ही नहीं सकता कभी। 2 साल लगे सिर्फ, 2008-9 के आसपास मोबाइल इंडिया में क्रेडिट पर मिलने लग गया, और आज तो हर जगह ईएमआई पे मोबाइल वगैरह मिलता है, लोग खरीदते भी है। 0% ईएमआई क्यों नहीं खरीदेंगे? आज 1 लाख देने से अच्छा है 10-10 हज़ार के 10 इंस्टॉलमेंट देगा कोई भी, समझे? बट जब मैं देखा था मैंने क्या सोचा था, मेरा पर्सपेक्टिव क्या था, अपन यहां पर कभी घर के लिए भी लोन मुश्किल से लेते, लोग बोलते हैं लोन मत लो लोन मत लो, और वहां देखा तो मोबाइल के लिए भी लोग लोन ले रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो इंडिया में हो ही नहीं सकता, आ गया ट्रेंड इंडिया में। क्यों आ गया? क्योंकि इजी फैसिलिटीज मिलने लग गए तो लोग सोचने लग गए एक साथ 1 लाख देने से अच्छा है 10-10 हज़ार के 10 इंस्टॉलमेंट दी। जितने ये फैसिलिटीज ज्यादा रहेंगे डिमांड उतना बढ़ेगा, करेक्ट? नाउ रीड द हेडिंग, क्या लिखा है? डिमांड फॉर विच गुड्स? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड डिराइव डिमांड होता है क्या? यस, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड करते हैं। कंज्यूमर को गुड्स चाहिए, आप कंज्यूमर हो आपको गुड्स चाहिए, तो मैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा डिमांड क्या रहेगा? डिराइव डिमांड। रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है मेरा बिजनेस का डिमांड। मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगा तो मेरा डिमांड भी ज्यादा रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा। साइज ऑफ मार्केट अगर बड़ा रहेगा तो डिमांड ज्यादा करूंगा ना मैं। अरे एक्सयूवी 700 महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कितना डिमांड किया रहेगा प्रोड्यूसर गुड्स का, कितने सारे नए मशीनरी खरीदे रहेंगे, स्पेयर पार्ट्स खरीदे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है उनका साइज ऑफ मार्केट ज्यादा बड़ा है, करेक्ट? इन दोनों के लिए हम लिखेंगे कि इनका अप एरो रहेगा तो डिमांड भी अप एरो रहेगा। रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड साइज ऑफ मार्केट जितना बड़ा ओवरऑल डिमांड उतना ज्यादा होगा प्रोड्यूसर गुड्स का। इन सब के लिए डेटा रिक्वायर्ड रहेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिस यूजर इंडस्ट्री में हो उसका ग्रोथ कैसे है। आप जिस यूजर इंडस्ट्री के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ टाटा, टाटा इज नाउ गेटिंग इन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. वाई? क्योंकि डीजल पेट्रोल व्हीकल्स का डिमांड फ्यूचर में कम होने वाला है. तो कैन आई से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यूजर इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गोइंग टू गो अप. बराबर ना? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वहां ज्यादा बढ़ेंगे. डीजल पेट्रोल में तो कैसी वाट लग रही है अपने को मानो में 120 रुपए पेट्रोल हो गया. करेक्ट? अपने बैच के पहले दिन 114 था, 120 हो गया. सो दैट इज हाउ द रेट इज इंक्रीजिंग सो फास्ट. ऑफकोर्स इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन. तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर कम रहेंगे तो ओवरऑल प्रोड्यूसर का डिमांड भी कम रहेगा. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा रहेंगे तो डिमांड भी ज्यादा रहेगा, प्रोड्यूसर का डिमांड ज्यादा रहेगा. नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. आपका ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी समझता आपको? फैक्ट्री का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब उस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो सकता है. ओके? और उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल गुड्स कैसा हो रहा है? कैपिटल गुड्स मतलब लिख दो उधर फिक्स्ड एसेट्स. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लिख दो फैक्ट्री. अब मुझे बताइए कि आपके फैक्ट्री में अगर 5 फिक्स्ड एसेट्स लगते हैं तो 2 फैक्ट्री में कितने लगेंगे? 10 लगेंगे. ओवरऑल डिमांड समझ रहे हैं आपको कैसा चेंज हो रहा है? पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल समझा. प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट फैक्टर्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स क्या है? आप जो फैक्टर्स यूज कर रहे हो उसके सब्सटीट्यूट फैक्टर भी अवेलेबल रहेंगे, उसके प्राइजेस को चेक करके आप सिलेक्ट करोगे फैक्टर्स को. एट द सेम टाइम एक फैक्टर लिया तो उसके साथ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी लगता होगा, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स का प्राइस देखकर ही इसको सिलेक्ट करोगे ना. जैसे कार खरीदने के वक्त पेट्रोल देखा जाता है प्राइस क्या है, वैसे ही एक फैक्टर अगर यूज करना है तो उसके साथ दूसरा फैक्टर कौन सा यूज करना है उसका प्राइस क्या है ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना आपको. देन प्रॉफिट मेकिंग प्रॉस्पेक्ट, उस इंडस्ट्री में रहोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ आउटपुट कितना मिलेगा, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का कितना स्कोप रहेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है लोन पर, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर कितना डिमांड करेंगे, प्रोड्यूसर के गुड्स का डिमांड कितना रहेगा, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. प्रोड्यूसर गुड्स समझा सबको? थोड़ा बिजनेस एंगल से था वो. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ऑलमोस्ट वी आर डन. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. ये मेथड्स के अंदर पहला मेथड आता है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मतलब बायर का इंटेंशन क्या है परचेज करने के पीछे, वो सर्वे करो. उससे समझेगा आपको कि आपका डिमांड कितना होगा. बायर गुड्स खरीदते हैं कुछ इंटेंशन से खरीदते हैं ना, तो उस इंटेंशन का सर्वे करो और आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपके गुड्स का डिमांड कितना रहेगा. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड आपको देखना है, आप बायर का सर्वे कर रहे हो और आपको बायर का इंटेंशन पता चल रहा है. क्या इंटेंशन है? बहुत सिंपल इंटेंशन है. अब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटेंशन क्या है? पेट्रोल डीजल का प्राइस बहुत हाई है और दूसरा केयर फॉर एनवायरमेंट, केयर फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन. ये दो फैक्टर्स बायर के इंटेंशन है और इसको सर्वे कर कर आपको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड समझेगा. तो अगर इंटेंशन को क्लियरली समझ जाओगे तो डिमांड भी फोरकास्ट कर पाओगे. तो ये मेथड बोलता है फर्स्ट सर्वे द बायर्स इंटेंशन. यू कैन राइट देयर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटेंशन के अंदर पेट्रोल डीजल प्राइसेस. लिखा एनवायरमेंट केयर, लिखा इंटेंशन के अंदर एनवायरमेंट केयर, पेट्रोल डीजल प्राइसेस. सेकेंड मेथड बोलता है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में क्या होता है, आप कस्टमर का ओपिनियन लेते हो, ट्रेडर्स का ओपिनियन लेते हो, सेल्समैन का ओपिनियन लेते हो. तीनों चीजें लिखो वहां पर, कस्टमर, ट्रेडर एंड सेल्समैन.
इनका आप ओपिनियन लेते हो और आपके प्रोडक्ट का क्या डिमांड रहेगा ये फोरकास्ट करते हो। कस्टमर, ट्रेडर, सेल्समैन, कलेक्टिव ओपिनियन। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं, तो उनका ओपिनियन लेते हो आप कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड कितना रहेगा, तो आप वहां पे लिख सकते हो मार्केट एक्सपर्ट्स। मार्केट एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन में आप मार्केट के एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करते हो कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बताओ। सो एक्सपर्ट ओपिनियन में आप लिख सकते हो मार्केट एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसके अंदर आता है सबसे पहले ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। स्टैटिस्टिक्स पता है ना आपको, स्टैट्स, मैथ स्टैट्स के साथ और LR के साथ जो आप स्टैट्स पढ़ रहे हो वो। तो अब इस केस में क्या होता है, जस्ट एग्जांपल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मेरा टाइम पीरियड है और वाई एक्सिस पे मेरा डिमांड है। जस्ट इमेजिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल हो गए अपने को कंपनी खोले हुए, ठीक है, एंड हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए। 3 सालों में हमें दिख रहा है कि हमारा डिमांड ऐसा चला गया है, करेक्ट। तो नेक्स्ट ईयर इज फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, जिसके लिए हम डिमांड एस्टिमेट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है, इसके मुताबिक सपोज यहां तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके 5000 यूनिट्स पर डे, तो इसके आगे के ईयर्स में मेरा डिमांड कम से कम 5000 तो रहेगा ना। तो क्योंकि ये ट्रेंड, मुझे कैसा ट्रेंड दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये देखो ऐसा जाएगा, करेक्ट। तो ये डिमांड जाएगा शायद 7000 के आसपास, करेक्ट। तो ये क्या किया अपन ने, पास्ट डेटा यूज किया इधर तक का, और उसके बेसिस पर फ्यूचर का डेटा एस्टिमेट फोरकास्ट किया। इसको बोलते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन। बट समझा क्या इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि मैं नए प्रोडक्ट के लिए ये मेथड यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नए प्रोडक्ट के केस में पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, समझे। इसको नेव मेथड भी बोलते हैं, नेव अप्रोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, फ्री हैंड प्रोजेक्शन। ग्राफिकल मेथड फ्री हैंड प्रोजेक्शन इज सेम लाइक ट्रेंड लाइन, बट यहाँ पे कोई साइंटिफिकली ऐसा नहीं देखते अपन, ऐसा ऐसा ये ऐसा, एकदम सिस्टमेटिकली ऐसा नहीं करते हम, फ्री हैंड करते हैं। हमारा प्रोजेक्शन कैसे फ्री हैंड से चलता है, उसको बोलते हैं फ्री हैंड प्रोजेक्शन या फिर ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट इज फिटिंग ट्रेंड लाइन इक्वेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये जो सी और डी पार्ट है रिग्रेशन एनालिसिस, ये दोनों आप मैथ्स में पढ़ने वाले, लिख दो उधर मैथ्स। मैथ्स मतलब मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। तो मेनली शायद ये स्टैट्स में आएगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में आएगा। रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन रिग्रेशन सुना रहेगा आप, उसमें पढ़ोगे आप। और लीस्ट स्क्वायर मेथड सुना रहेगा आपने, आपके स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में है, तो ये दोनों वहां पर आप सीख लोगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड है आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है, आप सर को पूछ सकते हो लीस्ट स्क्वायर मेथड, बिकॉज ए प्लस बी, क्या बोलते हैं उसको, एक कांस्टेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, इज इक्वल टू कुछ होता है, वाई, ये पढ़ा होगा ना आपने, ऐसे कैसे नहीं पढ़ा आपके सिलेबस में, ये है ना। तो पूछ लेना सर को, पूछ लेना आप, हिम्मत जुटा कर पूछ लेना एक बार, ठीक है सर, लीस्ट स्क्वायर मेथड है क्या सिलेबस में, है। नाउ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है मालूम है आपको, एक मॉक मार्केट क्रिएट किया जाता है, मॉक समझते ना, मॉक मार्केट क्रिएट किया जाता है और उसके बेसिस पर डिमांड क्या रहेगा ये देखा जाता है, और जो मॉक मार्केट का रिजल्ट आया उसके बेसिस पर रियल लाइफ में क्या डिमांड होगा वो देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जीबिशन रखा गया, पूरे स्टॉल डाले गए और आपको बोला गया चलो ये स्टॉल में आप परचेसिंग कर सकते हो, फिर आपने परचेसिंग किया और आपको बाद में बोला अरे ये परचेसिंग नहीं था, ये मॉक
था, तो आपके परचेसिंग से मुझे समझा कि आपका डिमांड तीन चीज़ों का था। जो एक बंद कमरे में एक मॉक मार्केट क्रिएट किया गया था, उसके बेसिस पर रियल मार्केट में क्या डिमांड रहेगा वो प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये बंद दीवारों में है, कंट्रोल्ड है, अपन ने खुद ने उसको कंट्रोल किया है, और एक तरफ से ये मॉक मार्केट, लिख दो उधर मॉक मार्केट, डमी मार्केट, MOCK, मॉक मार्केट, डमी मार्केट क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। लास्ट इज बायोमेट्रिक मेथड। बायोमेट्रिक मेथड मतलब क्या? ये वेदर फोरकास्ट होता है, किससे होता है? आपको वेदर फोरकास्ट पता है क्या? आज शाम में बरसात गिरेगा क्या, कल धूप रहेगा नहीं रहेगा, ये फोरकास्ट आपको आपके मोबाइल में भी दिखता है। ये कुछ डिवाइस से होता है, उस डिवाइस को बोलते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ वेदर फोरकास्ट होता है, कुछ एलिमेंट्स देखे जाते हैं जिससे वेदर का फोरकास्ट किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स बोलता है जैसे कुछ फैक्टर्स देखकर आप वेदर को फोरकास्ट कर सकते हो, वैसे कुछ फैक्टर्स को देखकर आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो। तो उन फैक्टर्स को यूज करके जब डिमांड फोरकास्ट किया जाएगा उसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक मेथड, समझे? तो इट इज मोर रिलेटेड टू वेदर फोरकास्ट काइंड ऑफ थिंग। तो उधर लिख दोगे आप सिमिलर टू वेदर फोरकास्टिंग। डन, यहां तक हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 2। शैल वी स्टॉप हियर? ओके, यू विल हैव योर होमवर्क एज MCQs. In next lecture, I will check your MCQs.